नमस्कार। 2021 के पहले बेयर्स एंड बुल्स में आप सबको सबसे पहले तो 2021 की बधाइयाँ, और बधाई इसलिए क्योंकि 2020 हम सब ने निकाल दिया, गया वो पीछे, ऐसा भी साल हमने देखा है। तो 2020 से 2021 में जब हम आए तो सेंसेक्स 50,000 छू सकता है बजट के पहले, ऐसी बातें चल रही है। अब हम जब बना रहे हैं तो निफ्टी 14,000 के ऊपर चले गया है। तो ये पहले वाले 2021 के पहले वाले वीडियो में आज हम केवल टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, चाहे निफ्टी का, चाहे रुपी डॉलर का, चाहे पी, ये सारी चीज़ों पे देखेंगे और एक एक को देख के समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पे हैं और हमने क्या करना चाहिए। वैसे ही 2020 में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर 10-10 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर, है ईयर ऑफ क्राइसिस लेसन्स ऑफ अ लाइफ टाइम। हिंदी में है, मराठी में है और इंग्लिश में है। वैसे ही तो आप ये तीनों 10-10 वीडियोस हैं, छोटे छोटे 7 मिनट 10 मिनट के वीडियोस हैं कि जिसमें 2020 ने हमें जो कुछ भी दिखाया और वहाँ से हमको जो कुछ भी सिखाया, ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखते हुए कि हमें जब 2021 में जा रहे हैं या आगे जब हम जा रहे हैं तो हम कैसे अच्छे निवेशक बन सकते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सारी 10 वीडियोस में संक्षिप्त में एग्जाम्पल, इंडियन मार्केट का एग्जाम्पल लेके है, हिंदी मराठी इंग्लिश, वो तीनों में। वैसे ही पंजाब और सिंध बैंक का रिकैपिटलाइजेशन अभी हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने जीरो कूपन बॉन्ड्स पार पे इशू किए और जिसके कारण आरबीआई ने थोड़े से प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। तो वो क्या है उसको लेकर 6 वीडियोस बनाए हैं, और हिंदी में, और इसके मराठी और इंग्लिश के भी इसके बनेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं समझने के लिए कि पीएसयू बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन करते हैं यानी क्या करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जब इशू करती है तो वो क्या वो पूरा होता है। तो ये दो विषय हैं जो 2020 से 2021 में आए, तो ये दो विषयों पर थोड़ी सी चर्चा ज़्यादा है, एक कि 2020 में क्या क्या हुआ और दूसरा कि ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। तो ये पहली बात है। चलिए शुरुआत करेंगे निफ्टी से। जब हम वीडियो बना रहे हैं, निफ्टी इंट्राडे 1 मिनट का चार्ट है, अपनी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ है वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये चार्ट्स वीडियो पे आपको दिख जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज, हिंदी टेक्निकल एनालिसिस, 8 वीडियोस हैं इसमें। तो ये अगर आपने देखे होंगे तो आपको यहाँ पे समझ जाएगा कि ये कौन से मूविंग एवरेजेस है। आप देख सकते हो EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 3, 8, 21, 50, 200, और ये वॉल्यूम है नीचे जो दिख रहा है आपको। तो 3, 8, 21, 50, 200, 3, 8, 21 ये फिबोनाची नंबर्स हैं, 50, 200 ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो पहले इंट्राडे चार्ट देखेंगे, ये 1 मिनट का चार्ट है। आप में से बहुत लोग बोलेंगे 1 मिनट की कैंडल कोई देखता नहीं है वगैरह, ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनकी बात हो सकती है, यहाँ पे अपने यहाँ पे सब लोग जो सीखने आ रहे हैं। तो एक बहुत, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो 50 मिनट कैंडल ने 200 मिनट कैंडल को यहाँ से नीचे से काटा है, MACD भी जस्ट थोड़ा सा बाय में आया है। तो यहाँ से जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक शायद हमें ये एक छोटी सी यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। आज सुबह मार्केट, जैसे आप देख सकते हो, 14,100 के आसपास जाके आया है निफ्टी, और अभी 14,070 के आसपास है। तो ये अगर ऐसा, इसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, वैसे इंट्राडे में इतना और 1 मिनट के चार्ट में आप उसको इतना नहीं पढ़ सकते, पर पढ़ने के लिए यदि आपको किसी ने बताया नहीं कि ये 1 मिनट का चार्ट है, और अगर आपको किसी भी चार्ट पे ऐसा गोल्डन क्रॉस दिखता है कि 50 ये 200 को नीचे से ऊपर काट रहा है, तो ये बुलिश इंडिकेशन होता है। तो इंट्राडे तो खैर ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं और समझने के लिए हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। अब निफ्टी के डेली चार्ट्स में थोड़े से सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस या जो भी है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। एक तो हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। अनचार्टेड टेरिटरी का क्या मतलब है? ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई पे है और इसलिए ऊपर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है।
पहले आप सपोर्ट देख लीजिए कि 3 मंथ का जो सपोर्ट है, सबसे पहला जो नीचे मार्केट आएगा तो कहाँ पे सबसे पहले रुकेगा, तो 14,025 पे डेली का सपोर्ट है, तो लिख लेंगे, थोड़े से लिख लेंगे कि डेली चार्ट, तो आप पकड़ लो 14,025 पे सपोर्ट है पहला, ये कौन सा है, 3 डे, 3 हो जाएगा ना, येलो लाइन यानी 3 है, 8 यानी 13,900 और 21 यानी 13,600, तो 8 यानी 13,900 और 21 यानी 13,600, ये आपको लेवल्स पता रहने चाहिए कि किस तरीके से आप यानी मार्केट कहाँ कहाँ पे रुक सकता है डेली चार्ट पे। मंथली देख लो आप, या चलो पहले वीकली देख लेते हैं, तो वीकली अगर आप करेंगे सेम निफ्टी का ही, वो इंट्राडे ठीक है उसको कोई ये नहीं है, तो वीकली में आप देखो पहले एमएसईडी अच्छे से बुलिश में है, डेली में एमएसईडी देख लो क्या है, थोड़ा नीचे आया था फिर ऊपर गया था, और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है एमएसईडी में, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ये लेवल के बाद से एमएसईडी फ्लैट है, ये लेवल के बाद से एमएसईडी फ्लैट है, लेकिन प्राइस ये लेवल से ऊपर गया है, तो प्राइस ऊपर जाता है और एमएसईडी फ्लैट रहता है, तो इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में आप एक बोल सकते हो कि इंडिकेटर नोज मोर देन प्राइस, इसका क्या मतलब है कि इंडिकेटर शायद ज़्यादा जानता है प्राइस के बारे में, इसलिए प्राइस भले ऊपर जा रहा हो, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट वॉल्यूम, देखिए थोड़े 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 वॉल्यूम्स नीचे नीचे जा रहे हैं, तो भाव ऊपर जा रहा है, एमएसईडी थोड़ा सा नीचे कट गया है, झुक गया है, यहाँ पे वापस बाय में चले गया है, लेकिन यदि आप हिस्टोग्राम देखेंगे यानी कि ये मोमेंटम बता दें कितनी ताकत है एमएसईडी के क्रॉस ओवर में, तो ये बहुत वीक क्रॉस ओवर है, तो एमएसईडी और वॉल्यूम्स को देख के एक लग रहा है कि हम शायद कहीं तो भी टॉप पे है, यहाँ से मार्केट या तो फ्लैट रह सकता है, यहाँ से मार्केट या तो नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने की संभावना है, ये चार्ट देख के अभी हम बोल सकते हैं थोड़ी कम है, ऊपर नहीं जा सकता है हम नहीं बोल सकते, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बात संभावना की होगी, तो इसलिए मंथली सॉरी हाँ डेली हो गया, वीकली चार्ट्स पे एमएसईडी अच्छे से बाय में है, रहेगा ही क्योंकि वो लैग में चलता है, तो इसको ये जब सेल में आएगा तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर इंडिकेटर एज कम्पेयर टू डेली, और मंथली विल बी स्ट्रॉन्गर देन वीकली, तो वीकली पे बाय है, वीकली पे सपोर्ट्स देख लो 13,946, तो 3 का है 13,946 यानी 13,950 पकड़ लो, 3 वीक का है, 8 वीक का क्या है 13,500, 13,500, 13,506 है, और 21 का क्या है 12,602, 12,600, तो ये सपोर्ट्स है, मंथली भी देख लेंगे, मंथली में एमएसईडी एकदम बुलिश है, हिस्टोग्राम में एकदम स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम्स भी ठीक ही ठाक है, पर इसको बदलते बदलते समय लगता है, स्वाभाविक है क्योंकि एक एक कैंडल एक एक महीने की होती है, 13,572 पे 3 मंथ, 13,572 पे 3 मंथ है, 12,480 पकड़ लो आप, 12,480 पे 8 है और 11,635, तो ये आपके पास डेली वीकली मंथली निफ्टी के सपोर्ट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे मार्केट जब नीचे नीचे आएगा तो कहाँ कहाँ पे रुकते रुकते आने की संभावना है, जब 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 मार्केट रुकेगा, अभी देख लो कहाँ कहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, जैसे 14,000 के पास कोई, जैसे ये दोनों आप पकड़ लो 14,000 के लगभग करीब है, तो ये 50 पॉइंट का ये एक आप जोन पकड़ लो, फिर 13,500 अगर आप देख लेंगे तो ये दोनों या ये तीनों का अगर आप देखेंगे तो ये 13,500 से 13, तो डेली चार्ट में वीकली चार्ट में मंथली चार्ट में तो अराउंड 13,500 आप, क्योंकि सब ओवरलैप हो रहे हैं, वहीं पे डेली भी रेजिस्टेंस आ रहा है, अब एग्जैक्ट एक लेवल तो नहीं रहेगी, डेली भी वहीं पे आ रहा है, वीकली भी वहीं पे आ रहा है, मंथली भी वहीं पे आ रहा है, तो आप पकड़ सकते हो 13,500 से 13,600 के बीच में एक थोड़ा ज़्यादा देर मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, तो ये दूसरा हो गया, और देख लो 13,900 या 12,600 ऐसा कुछ है क्या कहीं पे, अब जैसे 12,480 यानी कि 12,500 और 12,600, तो आप ये भी पकड़ सकते हो कि एक दो तीन
यहाँ पे इंडिकेटर्स एक साथ आ रहे हैं, तो यानी 12,500, 12,600 और 13,500, 13,600, ये जो रेंज है, पहले यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, फिर शायद यहाँ पे ले सकता है, और उसके बाद फिर, और फिर तब तब आएगा, तो फिर बाद में तब का तब देख लेंगे। पर ये आपको एक ब्रॉड पता रहना चाहिए कि हम अभी कहाँ पे हैं, क्योंकि हम अभी ऑल टाइम हाईस पे हैं, हम अभी ऑल टाइम हाईस पे हैं। चलो इंट्राडे पे आ जाते हैं, क्या हुआ, तो हम जब से बात कर रहे हैं तब से 2-3 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो हम अभी ऑल टाइम हाईस पे हैं, MACD भी थोड़ा सा बाय पे, और ये ऊपर ऊपर अभी भी आप देख सकते हो कि ये 8 मिनट को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इंट्राडे में तो भी अभी ये स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन MACD शायद यहाँ पे जब आएगा, सेल का आएगा तब देखेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का रिलेटेड, डेली मंथली वीकली टेक्निकल्स आपको क्या देखना चाहिए करके। ये क्यों हमने ये वाले चार सपोर्ट मूविंग एवरेजेस लिए अपनी टेक्निकल एनालिसिस की, इसमें ये सब डिटेल में दिया गया है। चलिए अभी एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर देखेंगे, डॉलर क्या कर रहा है, डॉलर क्या कर रहा है। तो डॉलर एज कंपेयर टू, केवल डॉलर इंडेक्स का नहीं है, चलो डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स देख लेंगे। अभी ये जो अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग चार्ट्स बना के रखे हैं, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स और अमेरिका का 10 ईयर यील्ड, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड। तो ये सब के जो कोरिलेशंस हैं, ये सब अपने वो जो 10 वीडियोस की जो श्रृंखला बनी है कि 2020 ने आपको क्या दिखाया और क्या सिखाया, ईयर 2020 लेसन्स ऑफ अ लाइफ टाइम क्राइसिस ईयर, इसमें ये सारों का डिटेल में दिया है कि कैसे कैसे यूज़ करना है। पर अभी सिर्फ देख लो कि डॉलर इंडेक्स जो है, ये पर्पल वाला जो है, ये डॉलर इंडेक्स है। आप देख सकते हो कि ये गिरते, ये डेली है, तो ये गिरते 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 अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो ये इसकी लेवल आप यहाँ पे देख लो 89.6 है। अभी इसको मंथली कर देंगे तो आप देख सकते हो पिछले कई महीनों के लो पे है डॉलर इंडेक्स, यानी कि ये लास्ट टाइम ये लेवल कब थी, यहाँ पे थी, यानी कि 2018, 2018 जनवरी, यानी कि 2021 से 2020 जनवरी, 20 से 19 और 19 से 18, तो डॉलर इंडेक्स इज एट 3 ईयर लो, ऐसा हम लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, डॉलर इंडेक्स इज एट 3 ईयर लो। अभी डॉलर इंडेक्स इज एट 3 ईयर लो का मतलब है कि डॉलर्स दुनिया भर में डॉलर वीक हो रहा है। अभी डॉलर वीक हो रहा है इसका मतलब है बाकी एसेट्स में पैसा जा रहा है। आप क्रूड ऑयल देख लो, तो क्रूड ऑयल धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ये जो है पिछले कई महीनों में डॉलर क्रूड अभी ऊपर जा रहा है। सो दैट मीन्स डॉलर इंडेक्स इज एट 3 ईयर लो, क्रूड एट मल्टी मंथ हाई। तो ये दोनों चीज़ें क्या बताती है, इन्फ्लेशन में राइज, ये दोनों चीज़ें बताती है इन्फ्लेशन में राइज, तो आपको ये पता रहना चाहिए। और राइजिंग इन्फ्लेशन ये शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हो गया एक पार्ट, आप डॉलर को देख लो बाकी करेंसीज के साथ साथ। तो ये येलो, ये नीली वाली लाइन यूरो यूएसडी है, तो ये ऊपर जा रही है, इसका मतलब है यूरो स्ट्रांग हो रहा है, और यूरो स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब है डॉलर वीक हो रहा है। वैसे ही ये जो पर्पल लाइन है, ये यूएसडी आईएनआर है, और आप देख सकते हो कि रुपी डॉलर ये 73 पे चल रहा है अभी, और 73 की लेवल इसकी ये ऑलमोस्ट कितने तो भी महीने पहले आई थी, 2020 के तब आई थी, हम देखेंगे इसको और डिटेल में। तो रुपी के साथ भी डॉलर थोड़ा सा वीक हो रहा है, यानी कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि क्या है, फॉरेनर्स आर बाइंग रुपी, फिरंगी रुपी खरीदते जा रहे हैं। हम रुपी का, हम यूएसडी आईएनआर का प्रॉपर चार्ट देखेंगे, ये तो एक सिर्फ आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने के लिए था। ये देखिए कितना बढ़िया चार्ट है रुपी डॉलर का, ये डेली चार्ट है, इसको मंथली कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हमें टाइम देख सकेंगे हम। तो आप देख सकते हो कि अभी जो रुपए की लेवल है, ये पिछले बार यहाँ पे लेवल थी, आप देख सकते हो ये वाली जो तारीख है, और ये तारीख है आप देख सकते हो नीचे डेट लिख के आ रही है, वो डेट है 2 मार्च 2020,
फिर से आप पकड़ लो लगभग 1 साल पहले, वीकली अगर आप करेंगे तो ये 52 हफ्ते हो जाएगा, तो आप देख सकते हो लगभग लगभग 1 साल पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मार्च को डॉलर की लेवल 2020 में इस लेवल पे थी, यानी कि आप लगभग 1 ईयर, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे रुपी इज एट ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई अगेंस्ट द डॉलर। दैट मीन्स गोरे लोग अभी भी, और अगर आप चार्ट्स देखेंगे, हाँ चार्ट्स भी देख ही लो, डेली वीकली मंथली इसका भी, तो डेली अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कांस्टेंट, आप देख सकते हो कि सारे मूविंग एवरेजेस इसको नीचे खींच रहे, 3, 8, 21, 50 सब ने इसको नीचे खींचा है यहाँ से, तो यानी कि रुपी और नीचे नीचे यानी कि स्ट्रांग होने की संभावना है। एमएसीडी सेल में है तो डेली चार्ट्स पे तो रुपी ये बता ही रहा है कि ये स्ट्रांग हो सकता है करके। अभी आपको ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन में राइज एंड रुपी इज़ एट ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई, तो आप एक देख लो, आरबीआई में अलाउ रुपी टू स्ट्रेंदन टू कंट्रोल इन। अभी आज ये सत्र में ये बात नहीं करेंगे कि रुपी के कारण क्या हो रहा है और कैसे आरबीआई को रुपी इन्फ्लेशन बचाने के लिए रुपी का कैसा उपयोग करता है, वो और वीडियोस हैं शिवानी मैडम के, जो भी है आप वो वीडियोस देख लेना। लेकिन इस पे ध्यान रहना चाहिए कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो आरबीआई रुपी को शायद, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी उसको तकलीफ हो सकती है, इसलिए शायद आरबीआई वैसा ना करे। क्या करना है वो तो बाद में ही पता चलेगा जब आरबीआई जब करेगा, पर हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। तो ये हो गया, एक और जो हमें देखना था, निफ्टी टेक्निकल्स देख लिया, डॉलर इंडेक्स देख लिया, यूएसडी आईएनआर देख लिया, पी रेशियो देख लिया। अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि पी रेशियो उसका क्या है, तो ये आप देख लो, निफ्टी का पी रेशियो है पिछले इतने सालों में, और अभी ये सडनली ऑल टाइम हाई पे है। मैंने अभी अगर आप निफ्टी का पी देखेंगे एज़ कम्पेयर, ये क्वार्टरली चार्ट है, तो जनवरी में निफ्टी का पी लगभग 38 के आसपास है, और हिस्टोरिकली अगर आप ईपीएस की ग्रोथ देखेंगे, निफ्टी के ईपीएस की ग्रोथ हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो वो ऑन एन एवरेज, इसको ही पकड़ लेते ना, सीधा ऐड करो, तो आप ऑन एन एवरेज आपको दिखेगा कि निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 9.5% या 10% के आसपास होती है। सो निफ्टी ईपीएस ग्रोथ इज अप्रॉक्सीमेटली 10% पर एनम, हर साल 10-10% से निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ होती है हिस्टोरिकली। और अगर आप एवरेज पी देखेंगे निफ्टी का, अगेन एकदम आसान, बहुत सिंपल करके रखा है, तो आप देख सकते हो एवरेज पी 20.81 के आसपास आ रहा है, तो एवरेज पीई अप्रॉक्सीमेटली 21x। आप सिर्फ ये इतना अगर देखेंगे, अभी उसकी तुलना में करंटली हम कहाँ पे हैं, करंटली पी 38 पे है, तो निफ्टी का पी आज का ये 38 का पकड़ लो आप, जबकि हिस्टोरिकल 21 रहना चाहिए। अभी यहाँ से समझने की कोशिश करो, आज का ईपीएस 363 है, 363 कहाँ से आया, निफ्टी चल रहा है आपका 14018 और पी चल रहा है, तो ईपीएस कैसे आएगा, इज इक्वल टू 14/38, तो ये 368 आता है, जो कि ये यहाँ पे 14 38.55, तो ये 363.63 आएगा और जो यहाँ पे आया हुआ है। तो अब ये ईपीएस है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि निफ्टी का ईपीएस ये साल दर साल 10% से बढ़ता है, तो यानी अगले साल इसका ईपीएस क्या रहेगा, 1+10% आप बढ़ा दो इसको, तो मैक्सिमम 400 का ईपीएस रहेगा इसका अगले साल, अगले साल इसका अगर 10% से बढ़ता है तो। या इसको उल्टा पकड़ लो, अगर 14,000 पे निफ्टी है और अगर पीई 21 का रहना चाहिए तो निफ्टी का, सॉरी, अगर ईपीएस 363
363 का है और 21 का अगर हिस्टोरिकल पी है निफ्टी का, तो निफ्टी की सही लेवल क्या रहनी चाहिए? तो लगभग 7600, अभी हम हैं 14000 पे, ध्यान दीजिए। इसको रेड कर देंगे, इसको ब्लैक कर दो और इसको रेड कर दो और इसको बोल्ड कर दो और ध्यान दो कि क्या हो रहा है। हम अभी 14000 पे है और हिस्टोरिकल लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे सादी भाषा में, तो निफ्टी का पी अगर 21 का रहता है तो अभी निफ्टी का फेयर वैल्यू 7600 रहना चाहिए और हम अभी 14000 पे, यानी कि डाउनसाइड के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि डाउनसाइड के चांसेस ज़्यादा है ये देख के। और इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच दो, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है हेज रहो। अगर मार्केट गिरता है तो आप पहले से, हो सकता है अभी वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच्ड है तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो इसी ये सेशन का नाम ही बेयर्स एंड बुल्स है, तो बेयरिश भी बात आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बुल्स बुलिश क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो बुलिश है कि मार्केट अंस ये या ये सपोर्ट पे मार्केट रुक सकता है टेक्निकल्स के बेसिस पर, ये रुपी डॉलर और नीचे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपने मार्केट के लिए बुलिश है। लेकिन बेरिश क्या है कि हम बहुत ऊंचे लेवल पे है ऑलरेडी, और इसलिए आपको क्या करना है, सी गोरे खरीद रहे हैं, और हमको ये नहीं करना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे लोगों को भरोसा है और हम ही बाहर बैठे हैं, तो गोरे खरीद रहे हैं और हम बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से ताली बजा रहे हैं और बाद में जब बाजार थोड़ा ऊपर जाएगा फिर हम ऊपर के लेवल पर खरीदेंगे, ये सब नहीं करना है। अपने को स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, मनी भी इन्वेस्टर है, तो क्या करना है, स्टे इन्वेस्टेड स्टे हेज्ड, डेली SIP STP चालू रखो, डेली SIP STP चालू रखो, इंडेक्स फंड्स में करो नहीं समझता है तो, और अपने आप को हेज 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 करते रहो, बस इतना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कल को अगर बाजार थोड़ा सा झटका पड़ता है तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए, आप पहले से तैयार रहने चाहिए उसके लिए कि हाँ ठीक है, मीन बाजार इतना ऊपर है, एक तरफा ऊपर थोड़ी ना जाएगा बाजार, कभी ना कभी तो नीचे आएगा, कितना ना कितना तो जब भी वो नीचे आएगा, मुझे पता रहना चाहिए कि बाजार नीचे आया, ठीक है मैं तैयार था इसके लिए, बाजार नीचे आने के लिए शायद ये कारण थे, महंगाई बढ़ रही है, रुपी RBI ने अप्रिशिएट करने दिया, जो भी हो सकता है, US में कुछ हो सकता है, बॉर्डर पे कुछ हो सकता है, जो भी है। एक अच्छा निवेशक वो रहता है कि जो चढ़ते बाजार में तो हर कोई पैसा बनाता है, गिरते बाजार में आप अपना नुकसान बचा सके तो बात करो, चढ़ते में आप किसी भी चीज पे हाथ लगाओ वो बढ़ रहा है आज, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी फंड मैनेजर मैं भी फंड मैनेजर, उसमें मतलब नहीं है। लॉस मेकिंग कंपनीज को अपर सर्किट लग रहा है, 100-100% प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं, तो ये यानी वो थियोरी ऑफ ग्रेटर फूल होता है, और वो सब बात मत करो, जब बाजार टूटेगा तब अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए, जमता है क्या बोल। तो वो करने के लिए फिर थोड़ी सी पढ़ाई करनी, बेयर भी रहो बुल भी रहो, देर इज़ नो बेयर साइड और बुल साइड, देर इज़ राइट साइड। तो ऐसी धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें रोज पढ़ते रहो, मनी वी के वीडियोस देखते रहो। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल रजिस्टर नहीं किया है, किधर गया अपना, ये अपना CMM मॉड्यूल, ये शैलेश सर का नंबर है, 8600043130, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे नीचे जाओ कैपिटल मार्केट मॉड्यूल, 3300 इंक्लूडिंग GST है, जैसे जैसे अपने वीडियोस, जैसे जैसे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं हम तो फीस भी उसकी कम कम करते जा रहे हैं। तो अगर नहीं किया है अब तक तो CMM के लिए रजिस्टर कर लो, लिंक नीचे दे देंगे, और इस तरह से बेयर्स एंड बुल्स के एक एक छोटे छोटे वीडियोस। आज तो ये था थोड़ा कि 2021 शुरू हुआ है, तो 2021 में जाते समय बजट आ रहा है, ध्यान दो बजट आ रहा है, 100 साल में नहीं आया ऐसा बजट आएगा ऐसी बात चल रही है, तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे के काम करो। जैसे आज का अगर आप चार्ट देखेंगे निफ्टी और विक्स का, आज का यदि आप चार्ट देखेंगे निफ्टी और विक्स का, इसको क्या हो गया, तो यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है, हाँ तो आप देखो जैसे बाजार टूटा सुबह आज इंट्राडे में, ये विक्स एकदम से ऊपर भाग गया, और फिर जैसे बाजार धीरे 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 ऊपर आना स्टार्ट हुआ, विक्स फिर से ठंडा हुआ, तो इसका ऑप्शन प्रीमियम्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। अपना क्या हुआ वैसे, अपन ने जो चार्ट देखा था बनाते समय
देखो अपन ने जब वीडियो स्टार्ट किया था उसके बाद से अब तक ये MACD थोड़ा सा सेल में आ गया, तो खैर इंट्राडे तो करो भी मत अभी। 3.8 और ये 21 पे देखो, आप देख सकते हो 21 मिनट्स पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, तो MACD सेल में आ गया लेकिन 21 पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये भी हो सकता है कि MACD पूरा नीचे आए, मार्केट ऐसा का ऐसा ही रहेगा और फिर से जब बाय में आएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जब होती है तब ऐसा देखने को मिलता है कि MACD नीचे आता है, मार्केट गिरता नहीं है और फिर MACD वापस बाय में आ जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर चलेगा। यानी गिरते समय मार्केट लेवल मेंटेन करता है, गिरता नहीं है, चढ़ते समय मार्केट फिर से ऊपर भागता है। तो ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होने का एक संकेत होता है, और लिक्विडिटी का हमने अभी देखा कहाँ से आ रही है लिक्विडिटी, ये रुपी जो है ऑलमोस्ट 1 गोरे खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे। तो डेटा है, समझो, देख के काम करो। ये नंबर है तो सोच समझ कर काम करो, तैयार रहो दोनों चीज़ों के लिए, इन्वेस्टेड रहो अच्छे, डेली इंडेक्स, SIP, STP, हेज रहो, और फिर जो भी होता है देख लेंगे क्या होता है, तो अपने को डर नहीं है अगर हेज रहे तो। चलो आज का वीडियो यहाँ पे रोक देंगे। बेयर्स एंड बुल्स आप ये श्रृंखला देख रहे हैं, 2021 का पहला वीडियो है ये, इसके लिए धन्यवाद। 2020 में जो जो भी सीखने लायक था उसकी वो स्पेशल श्रृंखला है, 10 वीडियोस की, हिंदी मराठी इंग्लिश, और बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर 6 वीडियोस की एक हिंदी में श्रृंखला बनी है जो मराठी और इंग्लिश में भी आ जाएगी, क्या है वो, पंजाब एंड सिंध के ऊपर। तो आप ये वीडियोस देख ले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।